हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नील क्रिएशंस। आज हम इस वूल पेंसिल और सीज़र की हेल्प से बहुत अच्छा फूल बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे ही, बहुत ही इजी हैं। जिन्हें बुनाई नहीं करनी आती, निटिंग और क्रोशेस नहीं आता, तो वो ये बना सकते हैं। और ये बहुत ही अलग सी चीज़ मैं बनाऊँगी आज की वीडियो में। जस्ट मैं आपको इसके फ्लावर बनाना सिखाऊँगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हम ये फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए, मैंने दोनों कलर से बनाए हुए हैं। आप इनका यूज़ बहुत से जगहों पे कर सकते हो, जैसे आप लड्डू गोपाल की ड्रेसेस में भी कर सकते हो। और इसकी आप, मैं इसका तोरण बना रही हूँ, तोरण बोल लीजिए आप, वॉल हैंगिंग बोल लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसके लिए पहले मैं, ये मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। ये मैं फूल आपको बनाना सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इस पेंसिल की हेल्प से और जस्ट एक सीज़र की हेल्प से हम किस तरीके से इस तरीके के फ्लावर बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बनाने के लिए ओसवाल की ये 3-ply वूल ले रही हूँ। ये देखिए, ये ओसवाल की है और इसकी पलाई दिखा देती हूँ मैं। ये 3 धागों वाली होती है जो हम निटिंग में भी यूज़ करते हैं, क्रोशेट में भी यूज़ करते हैं। और इसी का मैं आपको ये बताना है। आप इसके लिए कोई भी यूज़ कर सकते हो वूल, तो वूल का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट इसके फ्लावर बहुत अच्छे बनते हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए, ये देखिए, ये पेंसिल ली है। आप कोई भी पेंसिल ले लीजिएगा, उस पर एक ऐसे मैंने निशान बना लिया है सीधा। ये देखिए सीधा। इसको बनाने के लिए अगर आप इस तरीके की 3-ply वूल यूज़ कर रहे हो, उसी लिए इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। गोल पछम, गोल जो वूल होती है उस पर ये अच्छे से टिक जाता है। इसे लगाने का मेन कारण जो है, जब हम इस तरीके से इस धागे को लपेटते हैं, तो इसके 3 धागे होने के कारण 1-2 फिसल जाते हैं यहाँ से। अगर एक सिंगल होता है तो वो रुका रहता है, अदरवाइज़ 3 नहीं रुकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस धागे को हमने, धागे के एक कॉर्नर को हमने यहाँ से पकड़ा, और जो ये मैंने निशान लगाया उसके बीच में से हमने इस तरीके से जी, ये देखें, यहाँ से लगाया और इस निशान के ऊपर से हम इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से, ना ही तो धागे को ढीला छोड़ेंगे ना ही ज़्यादा टाइट रखेंगे, इस तरीके से ले आएंगे। लेने के बाद इस फिंगर को, इस फिंगर से इसको दबा लेंगे और जस्ट इस तरीके से लपेटते हुए इसको पूरा यहाँ तक फिल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से लपेटते हुए जाएंगे। इसको और बता देती हूँ एक ट्रिक, कि हम लपेट तो हम इस तरीके से भी सकते हैं इसके साथ साथ, बट वो टाइट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा लेके जाते हैं, कि जब हम इस तरीके से इसको करते हैं तो उतारना इसको इजी हो जाता है। आगे आप जब 1-2 फूल बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए कि ये थोड़ा सा अगर टाइट हो जाता है तो इसे निकालना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से हम इतना भर लेंगे इसको। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट इतना ही बहुत है। तो इसको हम, ये धागे को भी नहीं निकलने देंगे, और इसको पकड़ना है, उतारना है। ये देखिए, अगर हम ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये जो आसानी से मूव हो रहा है पेंसिल से, ये मूव नहीं होएंगे। ये भी बिल्कुल हल्का सा पकड़ना है। अगर हम खींच के पकड़ेंगे तो इसके सारे, ये जो हमने राउंड बनाए हैं वो निकल जाएंगे। ये देखिए, इस, ये पेंसिल के ऊपर वाला है जो हमने वो कट के ऊपर लगाया था, उसके बीच में देखिए हमारी ये फिंगर जा रही है, और ये नीचे वाला है, तो इसके बीच में से हमने इस तरीके से पलट के पकड़ लेना है। ये ध्यान से देखिए, ये इसके बीच में से निकाल के हमने इसको पकड़ लेना है। बहुत ही ईजी है। ये देखिए, इसको बहुत आराम से इस तरीके से खींच के जो बीच वाला होल है उसको हम पूरा कवर कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा होल कवर हो गया है। खींचने के बाद बैक से निकाल के हमने, बैक में करके दोनों धागे, इस पे हम इस तरीके से 2 नॉट लगा देंगे।
देखिए कितना इजी फ्लावर है। और इसको आप यूज़ बहुत जगह पे कर सकते हो, अगर आपने कोई प्लेन कार्डिगन वगैरह बनाया है, अगर आपको बेसिक नीटिंग आती है तो आप उस पर क्या कर सकते हो, इसके ये ऐसे फ्लावर बना के लगा सकते हो। ये देखिए कितना इजी फ्लावर बना है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसका मल्टी वे में आप यूज़ कर सकते हो। आपको मैं एक बार और बना के दिखा देती हूँ फ्लावर को। तो ये देखिए जस्ट ऐसे लपेटा इसको, और ये थोड़ा मैं आपको फास्ट फास्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लपेटने के बाद बहुत ही इजी है, आप बनाइएगा। और इसका यूज़ मल्टी वे में कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एक टाइप का तोरण मैं बताऊंगी आपको, आप उसके और भी जो तोरण बनाते हो उसमें आप यूज़ कई तरीके से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके में ही यूज़ होगा ये। ये देखिए इस तरीके से लपेटने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, रिमूव करेंगे धीरे धीरे। ये देखिए ये वाले थ्रेड को हमने, जो ये सिंगल वाला है, इसको हमने इसके बीच में से निकाल लेना है और इसको खींच लेना है। ये देखिए ये खींचने के बाद इसका होल ख़त्म कर देंगे, बस उतना ही खींचना है, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद हम दो नॉट्स लगा लेंगे इसमें। ये और हमारा फूल बनके तैयार हो गया है। ये देखिए ये मैंने येलो और पिंक बहुत सारे बना रखे हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको तोरण बनाना सिखाऊंगी, तो तब तक ये आप फ्लावर बना लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसका यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल बटन को हिट ज़रूर करना, ताकि जो मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ वो आप तक ज़रूर आएँ। और अगर मेरे पुराने वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।